आपकी हर जरूरत के लिए फ्यूचर रेडी विश्व स्तरीय विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स जैसे MI, डाइकन, जनरल, LG, हिटाची के स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, जूसर मिक्सर, वॉशिंग मशीन के लिए आए फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स कीसरगंज अजमेर। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। 17 अगस्त से हम ये आइसोलेशन सेंटर लंपी से ग्रसित गायों के लिए अजमेर शहर की जितनी भी लावारिस और आवारा जो लंपी गाय है उनके ट्रीटमेंट के लिए ये चला रहे हैं 17 अगस्त से। इसमें पशुपालन, नगर निगम और जितनी भी संस्थाएं हैं, प्राइवेट NGOs, पुलिस मित्र, सिविल डिफेंस, सभी का सहयोग और योगदान से इस सेंटर को हम चला रहे हैं। और NGOs का, भामाशाहों, दानदाताओं का बहुत बड़ा सेवा और यहाँ पे की जा रही है। और अभी लगभग 400 के करीब यहाँ पे गौवंश हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बहुत ही बढ़िया उपचार किया जा रहा है और रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये जो लंपी डिजीज़ है ये अब अपने उतार के उसमें मोड़ पर आ गया है। जो पीक था वो हमारा निकल चुका है, तो अब इनके जो घाव हैं वो बहुत सूखने लगे हैं और अब ये रिकवर होने लगी हैं। तो हमें आशा है कि जितने भी शहर की जितने भी गौवंश थे जिन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी उन सभी को यहाँ लाया जाकर उनका ट्रीटमेंट किया गया और ये बहुत ही सफल रहा है। और पूरे ज़िले के अंदर भी उपखंडों में और तहसीलों में इस तरह के सेंटर्स बनाए गए हैं। उपखंड के जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी बनाए गए हैं और पंचायत स्तर पर भी बनाए गए। तो हर जगह इस तरह के लावारिस और आवारा पशुओं का इलाज किया जा रहा है और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं स्वयं नोडल हूँ, कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये काम हो रहा है पूरे ज़िले में। कलेक्टर साहब द्वारा मुझे नोडल बनाया गया है पूरे ज़िले का और कलेक्टर साहब के निर्देशन के अंदर जो है बहुत बढ़िया ये कार्य हो रहा है। और मैं आशा करती हूँ और आह्वान करती हूँ आम जनता से कि आपको कोई भी गौवंश इस प्रकार की पीड़ा से दिखे तो आप उसकी मदद करें। हमने कुछ टीम्स भी लगाई हुई हैं, मोबाइल टीम्स लगाई हुई हैं हर वार्ड के लिए, जिसमें हर प्रकार के NGO, वॉलंटियर्स और गवर्नमेंट संस्थाओं के भी उसमें कार्मिक हैं जो मौके पर जा जाके गली गली में जा जाके उपचार कर रहे हैं जो भी हमारी जो भी बीमार पशु हैं उनका। और अगर ज़्यादा सीरियस उनकी स्थिति लगती है तो उन्हें यहाँ लाया जाता है। तो आम जन से और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस लंपी का जो क्राइसिस आया है, जो एक विपदा आई है गौवंश के ऊपर, इससे गौवंश को निकालने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हम इन्हें खाना दें, चारा दें, दवा दें, इनका प्राइमरी इलाज करें, इनकी मदद करें। हम सब आगे आएंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इनकी मदद हो पाएगी।